पिछले 25 साल से राजस्थान में कोई भी पार्टी लगातार दो बार सरकार नहीं बना पाई और इस चुनाव में भी ये ट्रेंड बरकरार रहा। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की। आइए एक नजर डालते हैं कि राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिली और वोट शेयर क्या रहा। तिरानवे से लेकर 2018 तक 25 साल बीत गए, लेकिन राजस्थान की जनता ने किसी भी पार्टी पर लगातार दो बार भरोसा नहीं जताया। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा के लिए 199 सीटों पर वोट डाले गए। मंगलवार को नतीजे आने के बाद कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला, जिसके बाद अब राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में काबिज होने जा रही है। कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की और पार्टी को कुल 39.3% वोट मिला। बीजेपी को कुल 73 सीटें मिली और पार्टी को 38.8% वोट मिला। बीएसपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे कुल 4% वोट मिले। 13 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और उन्हें कुल 9.5% वोट मिले। सीपीआईएम को 2 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 1.2% रहा, जबकि 6 सीटें अन्य के खाते में गई और उन्हें कुल 7.2% वोट मिले। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को यहां 78 सीटों का फायदा हुआ और पार्टी के वोट शेयर में 6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बीजेपी को 90 सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पार्टी के वोट शेयर में 6.39% की भारी गिरावट आई। बीएसपी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 3 सीटों के साथ 0.12% का फायदा हुआ, जबकि इस बार निर्दलीय और अन्य को 4-4 सीटें मिली। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।